एक संत के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आस्था, परंपरा एवं संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं, पर अगर बात जब वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो वह रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के दौरान भी उन्होंने यही किया। आम परंपरा यह है कि ग्रहण के दौरान घर से निकलते नहीं, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान दान के बाद ही दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान वह वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गए, वहां वैज्ञानिक एहतियात के साथ ग्रहण देखा, एक्सपर्ट से इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह पहला अवसर नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार नोएडा जाकर वहां को लेकर राजनीति में प्रचलित मिथक को तोड़ा। यही नहीं, सार्वजनिक रूप में कहा भी था कि मैं नोएडा जाता रहूंगा और दोबारा मुख्यमंत्री भी बनूंगा। हुआ भी यही नहीं, राजनीतिक वजहों से उनके पूर्ववर्ती अयोध्या जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी बचते थे। उस अयोध्या का योगी ने बार बार दौरा किया। आज उनकी अगुवाई में अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के सपनों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। जनता के दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए उन्होंने गोरक्षपीठ की नवरात्र से जुड़ी एक परंपरा को भी तोड़ा था। उनके सांसद रहने के दौरान एक बार गोरखपुर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तब नवरात्र अनुष्ठान के कारण वह मंदिर में ही प्रवास कर रहे थे। परंपरा तोड़ वह दुर्घटना पीड़ितों के बीच पहुंचे थे। साइड में जो दिखाई दे रहे हैं दो जी सर, वो क्या तार दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मंगल ग्रह कितने बजे के आसपास? क्लियर कर दीजिए, गैलरी क्लियर कर दीजिए प्लीज। हो जाएगा, हो जाएगा सर। गैलरी प्लीज क्लियर कर दीजिए। कैसे मेडिसिन थी, कैसे लोग उसको।